नमस्कार, मैं लक्ष्मी कोल्ले, वीचो विस्तास के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नागपुर सुधार प्रन्यास का 606 रुपए का बजट हुआ प्रस्तुत। बिजली के दरों में हो सकती है कटौती, कोरोना वॉरियर लगा रहे हैं टीका। अब खबरें विस्तार से। नागपुर महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी इन्होंने बुधवार को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोवैक्सीन का टीका लगाया। इस वक्त मेडिकल के नवनियुक्त डीन डॉक्टर सुधीर गुप्ता, प्रभारी डीन डॉक्टर आरपी सिंह, वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर अविनाश गावंडे, मनपा के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी उपस्थित थे। आयुक्त राधाकृष्णन बी इन्होंने वैक्सीन लगाने के बाद कहा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोवैक्सीन तथा अन्य 20 अस्पतालों में कोविशील्ड का टीका लगाने की व्यवस्था की गई है। टीकाकरण करने के लिए जिन्होंने नाम रजिस्टर किए हैं, ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर, आरोग्य कर्मचारी और अधिकारी ये दिए गए वक्त पे नियोजित दिन और स्थल पर जाकर टीकाकरण लगवाए, ऐसी अपील की। जिन्होंने पहला डोज लिया है उन्होंने 28 दिन के बाद दूसरा डोज लेना अनिवार्य है। कोरोना के विरोध की लड़ाई जीत के हम खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं, ऐसे भी उन्होंने कहा। मनपा के ज्यादातर अधिकारी और कर्मचारी अब तक टीका लगा चुके हैं। कोरोना का बढ़ता प्रभाव रोकने के लिए भारत में ही निर्मित कोरोना वैक्सीन के पहले चरण में फ्रंट वॉरियर्स को टीका देने के बाद अब दूसरे चरण में देश के सीनियर सिटीजन को कोरोना का टीका लगाने की बड़ी घोषणा केंद्र सरकार की ओर से की गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इन्होंने ये घोषणा करते हुए कहा कि 60 साल के ऊपर के सीनियर सिटीजन्स और 45 साल के ऊपर के मधुमेह तथा अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए टीकाकरण किया जाएगा। जावड़ेकर ने ये भी कहा कि सरकारी अस्पतालों में ये टीकाकरण मुफ्त में किया जाएगा और प्राइवेट अस्पतालों में ये सशुल्क रहेगा, हालांकि उसकी कीमत अभी तक बताई नहीं गई है। नागपुर सुधार प्रन्यास के सभापति मनोज कुमार सूर्यवंशी इन्होंने आगामी वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत किया, जिसमें 100 करोड़ के निवासी संकुल और 60 करोड़ के रास्ते बनाने का संकल्प के साथ साथ 606 करोड़ 88 लाख के कामों का निश्चय किया गया है। एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों की वजह से आम आदमी का बजट बिगड़ा हुआ है, वही अभी दूसरी तरफ चावल, तेल और प्याज के दाम भी बढ़ गए हैं, जिससे गृहिणियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से वाहनों का किराया बढ़ गया है, साथ ही देश में चलते किसान आंदोलन की वजह से दामों में वृद्धि आने की बात कही जा रही है। क्या खून के रिश्तों की अहमियत कम हो रही है? नागपुर में एक ही दिन में हुए 2 खूनी वारदातों से रिश्तों की अहमियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जहां संपत्ति विवाद को लेकर बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी, तो दूसरी वारदात में शक के चलते पति ने अपनी पत्नी का खून कर दिया। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी ने शहर के सभी राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। इसके पहले के आदेश में शहर में स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस, परीक्षण केंद्रों को 7 मार्च तक बंद रखने के साथ ही शनिवार और रविवार को सारे बाजार बंद रखने के आदेश दिए गए थे। नए नियमों के अनुसार धार्मिक, राजनीतिक, समारोह, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी 7 मार्च तक प्रतिबंध लगाने के आदेश घोषित किए गए हैं। ईंधन की बढ़ती कीमतों से नाराज लोगों पर बिजली के बढ़े हुए बिलों का भी बोझा आया है, जिससे आम नागरिक परेशान हो चुका है। बिजली बिल न भरने पर महावितरण बिजली कटौती कर रहा है, ऐसे में सरकार बिजली के दरों में कटौती की सोच रहा है, जो लोगों के लिए राहत का काम हो सकता है। ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने महावितरण को आदेश देकर कहा है कि राज्य में बिजली की दरें कम करने और किसानों को 8 घंटा बिजली आपूर्ति करने के लिए जल्द ही कदम उठाए। बिजली की दरें ज्यादा होने से आम जनता के साथ साथ इंडस्ट्रीज भी परेशान हैं, जिससे विकास धीमा हो गया है। इसलिए प्रति यूनिट 1 रुपया कम कर ग्राहकों को महंगाई से छुटकारा दिया जाए। नए और पारंपरिक ऊर्जा नियमों से स्वस्थ बिजली उपलब्ध हो सकती है, ऐसा भी ऊर्जा मंत्री ने कहा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप हमारे वीचो विस्तास के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं और ताजा अपडेट्स ले सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत और लगातार अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए वीचो विस्तास। नमस्कार।